best back cover and best back cases for this Realme Narzo 60 Pro 5G स्मार्टफोन। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर ये Realme का Narzo 60 Pro 5G वाला स्मार्टफोन आपने परचेस किया है या फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, जो कि आपको नियरली ये स्मार्टफोन 21,000 रुपीज़ में मिलता है, तो अगर आपने स्मार्टफोन परचेस किया है फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, और ऐसे में अगर आप सर्च कर रहे हो बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर दिस Realme Narzo 60 Pro 5G स्मार्टफोन के लिए, तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ बैक कवर्स परचेस किए जो इजिली और परफेक्टली आपके इस वाले स्मार्टफोन पर अप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट डाउट आप इस सारे बैक कवर्स को परचेस कर सकते हो अगर आपको कोई भी बैक कवर्स इनमें से पसंद आता है तो। तो यहाँ पे गाइस टू बी हॉनेस्ट मेरे पास अभी कोई मोबाइल नहीं है, तो मैं आपको विदाउट मोबाइल बताऊंगा सारे बैक कवर्स को ओपन करके। बट यहाँ पर इसका अगर आपको इसका पार्ट टू भी चाहिए होगा तो कमेंट में जरूर बताना, मैं पार्ट टू भी कवर करूँगा। बट गाइस मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है तो मैं विदाउट मोबाइल इस सारे बैक कवर्स को ओपन करके आपको बताऊंगा इनके लुक्स एंड क्वालिटीज़। लेकिन गाइस विदाउट एनी डाउट आप इन सारे बैक कवर्स को परचेस कर सकते हो, कोई भी बैक कवर्स अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हो। ये एकदम परफेक्टली Realme Narzo 60 Pro 5G स्मार्टफोन पर अप्लाई हो जाएगा। सबके जो परचेस लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेस कर सकते हैं। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ, तो आप चाहे तो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मेरे सेकंड चैनल पर आपको कंप्लीटली मेरा एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत सारे फनी टाइप के रिएक्शन वीडियोज यहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है, तो आप जाके इस चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो। ये जो मेरा सेकंड चैनल है इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके आप मेरे सेकंड चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मेरे यहाँ पर अलग कंटेंट है और यहाँ पर सेकंड चैनल पे मेरा बहुत ही कंटेंट डिफरेंट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके तो सबसे पहले गाइस हमारे ये चार अलग टाइप के बैक कवर्स है, तो ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ, तो इन चारों बैक कवर्स को वन बाय वन ओपन करते हैं एंड इनके लुक्स को चेकआउट करते हैं। ओके सो नाउ ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये वाला बैक कवर। अब इस वाले बैक कवर को आप देखो ये पूरी तरीके से गोल्डन सिलिकॉन में बैक कवर है, यहाँ पर एकदम पूरे ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसमें आपको गोल्डन टेक्स्ट में यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर ये पूरी तरीके से फ्लैक्सीबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट है और एक तरीके से काफ़ी लाइट वेटेड है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो अपने Realme Narzo 60 Pro 5G स्मार्टफोन के लिए। इसे अगर आप अपने मोबाइल पर अप्लाई करोगे स्पेशली ऑरेंज कलर का अगर अपने मोबाइल है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका राइट साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर चार्जिंग पोर्ट के लिए है, लेफ्ट साइड पे पर आप प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स दिया गया है, कैमरा में यहाँ पे बम्पर टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद ये सेकंड वाला कवर जो कि पूरी तरीके से ब्लैक है, पूरा स्पेशली फॉर ब्लैक लवर्स के लिए जिनका ब्लैक कलर फेवरेट है, और यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक कलर में भी आपको गोल्डन टेक्स्ट में यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर। और अगर आपने Realme Narzo 60 Pro का अगर ब्लैक वाला मोबाइल अगर आपने परचेस किया, ब्लैक कलर का मोबाइल परचेस किया है, तो उस पर भी ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, काफ़ी गोल्डन टेक्स्चर के साथ में आता है। तो इसके भी आप देखोगे राइट साइड में, लेकिन ये भी गाइस फ्लेक्सिबल है, दोनों की जो क्वालिटी है वो आपको ये थोड़ा ज़्यादा पतला है और ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ा है, बट ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। जिसमें आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन, नीचे स्पीकर चार्जिंग पोर्ट के लिए, लेफ्ट साइड में प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर कटआउट्स देखने को मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला बैक कवर, अब यहाँ पर देखो ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसमें आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है इसमें आपको एस्ट्रोनॉट का मिलता है, एस्ट्रोनॉट बैक कवर, जिसको यहाँ से आप निकाल भी सकते हो, ये इजीली यहाँ से सिर्फ इसे चिपकाया गया है, तो इसे आप इसे निकाल भी सकते हो और फिर से आप लगा भी सकते हो। तो ये एस्ट्रोनॉट है, बॉयज़ के हाथों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, व्हाइट कलर में पूरा का पूरा और काफ़ी अट्रैक्ट भी करा, या ब्लैक है या व्हाइट है, दोनों में डिफरेंस खाली ये एस्ट्रोनॉट का, इसमें आपको एस्ट्रोनॉट का डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम पर डाउन बटन, पावर बटन, स्पीकर चार्जिंग पोर्ट के लिए, लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है एंड बैक साइड में ऐसा देखने मिलता है। और उसके बाद ये गाइस मेरा सबसे फेवरेट, ये गाइस एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट बैक कवर है, फ्लेक्सिबल हो जाता है लेकिन एकदम देखिए ये हार्ड है, पूरा हार्ड केस है, इसे अगर आप फ्लेक्सिबल करने जाओगे तो थोड़ा आपको इफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन सिलिकॉन कवर में आता है। इसका अगर बैक साइड का पोर्शन देखोगे ये पूरा का पूरा सॉफ्ट है, लेकिन गाइस ये बैक कवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 550 के बीच में आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसे अगर आप अपने मोबाइल पर अप्लाई करते हो तो ये भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इस कलर में भी आपको मोबाइल मिलता है Realme Narzo 60 Pro में, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन है, नीचे स्पीकर चार्जिंग पोर्ट के लिए, लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कटआउट्स परफेक्टली देखने को मिल जाता है, विच इज़ क्वाइट गुड। ओके तो ये वाला जो बैक कवर है इसे गाइस मैंने स्पेशली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, तो ये जो बैक कवर है अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पे देखोगे, फ्लिपकार्ट पर इसका जो लुक है ये आपको ऐसे लुक में देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस है वो आपको नियरली मिलेगा 550 से 600 के बीच में, इसका प्राइस है जो आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल मिल जाएगा। 550 रुपये मैंने इस बैक कवर को परचेस किया है और इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको देखो टोटल आपको बहुत सारे 10 से 12 से 15 कलर आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी कलर आप इसमें परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसमें परचेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है इसका।
उसके बाद ये सेकंड वाला कवर, इसे भी आप देखोगे फ्लिपकार्ट पर ही आपको मिल जाएगा अवेलेबल। 286 रुपीज़ इस बैक कवर का प्राइस है गोल्डन टेक्सचर में, और इसमें भी आपको और भी कलर मिलेंगे, टोटल 5 कलर मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कलर पसंद है तो दूसरा कलर भी आप परचेस कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला कवर अगर आप देखोगे ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेस किया है, और इसका जो प्राइस है 296 रुपीज़ इसका प्राइस है, और इसमें भी आपको और भी कलर मिलेंगे, टोटल 5 कलर है, 5 कलर में आप ये बैक कवर परचेस कर सकते हो अगर आपको ब्लैक नहीं चाहिए तो। उसके बाद ये लास्ट वाला कवर फोर्थ वाला, इस ये भी आपको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, फ्लिपकार्ट में इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे, इसमें भी आपको टोटल 5 कलर मिलते हैं, और इसका जो प्राइस है 499 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए तो आप दूसरा और भी कलर परचेस कर सकते हो लिंक पे क्लिक करके। तो अब यहाँ पर मेरे सेकंड नेक्स्ट लेवल के बैक कवर्स, तो पहले जो मैंने आपको बैक कवर बताया तो बेसिकली सिलिकॉन में थे, अब ये जो बैक कवर्स है ये सारे के सारे हार्ड केस बैक कवर है। तो अगर आप अपने रियलमी नार्जो 60 प्रो के लिए हार्ड केस बैक कवर सर्च कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए। अभी इन सारे बैक कवर्स को ओपन करते हैं। सो नाउ इट्स अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वाला बैक कवर से। अब ये वाला बैक कवर आप देखो, ये और ये दोनों बैक कवर, ये दोनों बैक कवर गाइस ऑलमोस्ट क्वालिटी के मामले में सेम टू सेम है। ये भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, हार्ड केस में आता है लेकिन फ्लेक्सिबल हो जाता है, और ये भी फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये भी हार्ड केस में आता है। तो अगर आप हार्ड केस में थोड़ा फ्लेक्सिबल बैक कवर अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये दोनों बैक कवर आप परचेस कर सकते हो, बिकॉज मैं हर एक मूड के हिसाब से बैक कवर परचेस करता हूँ। अब ये वाला जो बैक कवर आप देखोगे इसमें आपको यहाँ पर एक कवर मिलता है जिसको बस आपको यहाँ से निकालना है, और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एक कवर मिलता है जिसको बस आपको यहाँ से निकालना है। यहाँ पर एक कवर चढ़ाया गया, तो इसको आप जब निकालोगे तो यहाँ से इसका पूरा शाइन इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट मैं इसे निकाल ले रहा हूँ। और लेकिन क्वालिटी आपको दोनों स्मार्टफोन में से मिलता है, ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप ट्रांसपेरेंट में हार्ड केस बैकवर्ड सर्च कर रहे हो तो आप इस वाले बैकवर्ड के लिए जा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड में ये जो बॉर्डर, इसका पूरा बॉर्डर जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा सिलिकॉन रबड़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, और ये जो दिख रहा है कैमरा पोर्शन ये भी पूरा रबड़ है, कोई प्लास्टिक नहीं है। इसमें भी ये वाला जो पोर्शन है पूरा रबड़ का दिया गया, साथ ही साथ ये भी पोर्शन पूरा सिलिकॉन रबड़ का दिया गया। यहाँ पर आप देखोगे हार्ड केस मिलता है, ये जो है ये हार्ड पॉइंट है, इनकेस अगर आपका मोबाइल नीचे की तरफ गिर जाता है तो ये जो चीज़ होता है ये आपके मोबाइल को डैमेज होने से बचाता है। मोबाइल अगर ड्रॉप होगा तो पूरा प्रेशर इस वाले पोर्शन पे आएगा, तो मोबाइल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा बिकॉज प्रेशर इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसके बाद ये जो है सेकंड वाला कवर, ये भी फ्लेक्सिबल है, और इसमें भी आपको सेम टू सेम वही पोर्शन देखने को मिलता है जो आपको इसमें देखने को मिलता है। खाली डिफरेंस ये है पूरा, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और ये पूरा कवर्ड है। यहाँ पर आपको हार्ड केस रिंग मिलता है, ये भी आपके स्मार्टफोन को डैमेज होने से बचाता है, और इसमें भी जो बॉर्डर मिलता है ये एक हार्ड बॉर्डर के साथ में आता है, तो यानी कि ये इसमें भी मतलब सिलिकॉन बॉर्डर मिलता है जो फ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये जो दिख रहा है ये एक रबड़ है, इसमें पूरा रबड़ यूज़ किया गया, ये प्लास्टिक नहीं है, रबड़ यूज़ किया गया, सिलिकॉन रबड़ है, और ये बॉर्डर भी पूरा सिलिकॉन रबड़ के साथ में आता है। नॉट बैड, इसे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। एंड उसके बाद है ये थोड़ा हार्ड केसेस में, यानी कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड है, ये दोनों बैक कवर इजिली फ्लेक्सिबल होते हैं, ये दोनों बैक कवर हार्ड केस में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल कवर है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा, ये टूट जाएगा अगर आप इसको ज़्यादा प्रेशर दोगे, लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मर लुक के साथ में आता है। इसमें आपको एक होल्डर मिलता है जिसको आप इस तरीके से घुमा सकते हो, 360 एंगल में ये इस तरीके से घूम जाता है, और इसके बाद आप इसके अंदर अपने फिंगर को इस तरीके से प्रेस करके कॉल पे बात कर सकते हो, बिकॉज ये आपके मोबाइल के सेफ्टी के लिए होता है। कॉल पे बात, अब अपने फिंगर को इस तरीके से कॉल पे आप जब बात करोगे तो ऑब्वियस बात है कोई भी आपका मोबाइल छीन के भाग नहीं सकता है, तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए होता है। साथ ही साथ इसको आप ऐसा होल्डर के बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, तो नॉट बैड। यहाँ पे आपको जो दिया गया ये वाला पोर्शन, ये रबड़ टेक्सचर के साथ में आता है, सिलिकॉन रबड़ यहाँ पे यूज़ किया गया, प्लास्टिक आपको पूरा मिलता है पूरा, लेकिन यहाँ पे साइड में यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक पोर्शन मिलता है लेकिन इसके नीचे आपको सिलिकॉन रबड़ दिया गया है, सो नॉट बैड। उसके बाद है ये वाला बैक कवर, ये भी गाइस पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल तो नहीं होता लेकिन ये हार्ड केस बैक कवर है, हार्ड केस बैक कवर में आता है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो ऑब्वियस बात ये भी एकदम सिंपल है। तो अगर आप ट्रांसपेरेंट में ये देखो, ये भी ट्रांसपेरेंट है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है इजीली, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता नहीं है, तो ये हार्ड केस आता है। तो दोनों में से कोई आप परचेस कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंड होगा आप इस वाले बैक कवर को परचेस करो, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है ट्रांसपेरेंट में, और ये फ्लेक्सिबल होता है, तो इसे भी आप निकाल सकते हो। इसके ऊपर भी बैक साइड में कवर लगा है, तो कवर को आपको ऐसे निकालना है, शाइन इफेक्ट है, तो आपको ऐसा पूरा शाइन इफेक्ट आएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं साइड अप की, तो दोनों स्मार्टफोन को अगर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के ऑप्शन दिया गया, ये दोनों का अंदर साइड का पोजीशन है। एंड उसके बाद अगर आप दोनों स्मार्टफोन इस तरह लेफ्ट में करते हो तो आपको ऐसे लुक देखने मिलेगा। उसके बाद ये ऊपर टैप का पोजीशन है। उसके बाद ये दोनों बैक कवर, अब यहाँ पे दोनों बैक कवर में आप देखो राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के ऑप्शन है। लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे कटआउट्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं चारों स्मार्टफोन के प्राइस की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले कवर की। तो ये जो बैक कवर है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, ये आपको 229 रुपये 230 में आपको मिल जाएगा, रियलमी नार्जो 60। तो यहाँ पे आप देखोगे इसे भी अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाकर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रियलमी नार्जो 60 प्रो 5G स्मार्टफोन के लिए, और यहाँ परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर, आपको ऐसे रुपये देखने को मिलेगा।
इसका जो प्राइस है आपको 202 में मिल जाएगा। उसके बाद है सेकंड वाला कवर, इसी बात देखो कि फ्लिपकार्ट पर आपको ऐसे लुक देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिलेगा नियरली 239 में आपको कवर मिलेगा। और यहाँ पर आपको और भी कलर मिलते हैं, अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो और भी कलर्स आपके पास ऑप्शन है, चारों में से और भी कलर्स आप परचेस कर सकते हो, 239 इसका प्राइस है। तो उसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वाला कवर, इसे भी आप देखोगे ये फ्लिपकार्ट पर आपको ऐसे लुक में देखने को मिलेगा। और इसका जो प्राइस है ये रियलमी नार्जो 60 प्रो 11 प्रो और 259 रुपीज़ इसका प्राइस है, फ्लिपकार्ट पर आपको 259 में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला बैक कवर, ये बैक कवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा है। इसमें आपको दो कलर मिलता है, एक ग्रे में मिलता है और एक ट्रांसपेरेंट में मिलता है। इसका जो प्राइस आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा 432 रुपये, फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन गाइस थोड़ा हार्ड में है तो क्वालिटी भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली बात है आप इसके लिए परचेस कर सकते हो अगर आप ट्रांसपेरेंट सर्च कर रहे हो। दो कलर मिलता है, ग्रे भी आप परचेस कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट परचेस कर सकते हो, 400 के नियर में आपको मिल जाएगा। तो अब बारी हमारे लास्ट एंड फाइनल चार बैक कवर की, ये सबसे लास्ट है फाइनल है। तो यहाँ पर है ये चार अलग टाइप के बैक कवर, इन चार को भी ओपन करके चेक करते हैं। सो नाउ इट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये गाइस है पूरी तरीके से सिलिकॉन में, लेकिन मैंने आपको सेम ऐसे बैक कवर पहले बताया था जो गोल्डन टेक्सचर के साथ पे थे, और ये भी है एक तरीके से वही टाइप का, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये आपको थोड़ा पिंक डार्क पिंक में आता है, जो भी एक तरीके से अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल और सिलिकॉन बैक कवर है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको ये पसंद है तो। उसके बाद है यहाँ पर ये सेकंड, इसका भी आपको देखो राइट साइड में यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, ये राइट साइड का पोर्शन है। नीचे की तरफ आपको स्पीकर चार्जिंग पोर्ट के लिए, लेफ्ट साइड पर पूरा प्लेन है, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स देखने को मिलता है। देन उसके बाद ये सेकंड वाला कवर, इसे कहते हैं गाइस बेसिकली फ्लिप कवर। फ्लिप कवर को वैसे ज़्यादातर लोग परचेस करते नहीं है बिकॉज ये लुक प्रोवाइड नहीं करता है, अच्छा लुक में नहीं होता, लेकिन अगर बात करो प्रोटेक्शन की तो ये आपके स्मार्टफोन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देता है। 360 एंगल में ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले आपके मोबाइल को बैक साइड अंदर से ही आपको इसमें एक ब्लैक कवर मिलता है जो आपके मोबाइल को बैक साइड से मतलब प्रोटेक्शन देता है। और उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल को इस तरीके से कवर करते हो तो फ्रंट साइड से प्रोटेक्शन मिल जाता है, बैक साइड से प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसके बाद 360 एंगल में यहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन मिल जाने कि आपका मोबाइल रियलमी नार्जो 60 प्रो पूरी तरीके से कवर अप रहेगा। इसके अंदर आपको पॉकेट्स मिलते हैं जिसके अंदर आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को इजीली इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, तो यूटिलाइज इट, काफ़ी ज़रा वर्थ इट है। उसके बाद ये बैक कवर, अब ये स्पेशली फॉर ब्लैक लवर्स के लिए, जो ब्लैक कलर में रिंग होल्डर बैक कवर अगर आप सर्च करो तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, बिकॉज कई सारे यूजर्स होते हैं जो ब्लैक कलर में रिंग होल्डर बैक कवर सर्च करते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर इस वाले बैक कवर को पिक किया है। ये भी आपका गाइस 360 एंगल में इस तरीके से रोटेट होता है अगर आप इसे घुमाना चाहोगे तो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल कवर है तो इसे इस तरीके से फ्लेक्सिबल भी कर सकते हो। तो राइट साइड में आप देखोगे वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन है। नीचे की तरफ यहाँ पे कटआउट्स, एंड उसके बाद लेफ्ट साइड पर आप प्लेन, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे कटआउट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो फ्लिप कवर है इसमें भी आपको सेम से वही पोर्शन देखने को मिलता है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन, नीचे की तरफ कटआउट्स एंड ऊपर की तरफ भी कटआउट्स। अब उसके बाद ये फाइनल ये वाला कवर, वैसे इस टाइप के जो कवर है मोबाइल के साथ में आते हैं, लेकिन जो मोबाइल के साथ में आते हैं तो वो तो उनका क्वालिटी अलग होता है, और जो बाहर से आप कवर परचेस कर सकते हो उनका क्वालिटी आपको अलग देखने को मिलेगा। बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इसे बिल्कुल परचेस करना मत, बिकॉज क्वालिटी में इतना खास लग रहा नहीं है। तो दो चार महीने के बाद ये इस टाइप के जो कवर है वो पीले हो जाते हैं, तो अभी से बात है, बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे तो ले सकते हो, अब अदरवाइज नहीं। इससे अगर लेना चाहते हो तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रांसपेरेंट कवर बताया था वही आप लेना, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये लेने से ज़्यादा बेटर होगा, आप ये दोनों में से कोई आप ले सकते हो, ये दो पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट है। ये वाला जो कवर है गाइस, ये हार्ड वाला जो मैंने आपको बताया था, ये येलो होगा, ये पीला नहीं होगा, तो आप इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन ये कवर पीला हो जाएगा तो इसे मत परचेस करना। ये दोनों में से कोई आप परचेस कर सकते हो, पीले ये एकदम येलो विलो नहीं होंगे, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज हार है ना तो ये येलो नहीं होंगे। तो गाइस ये था हमारे सारे के सारे बैक कवर्स, तो यहाँ पे कमेंट में जरूर बताना कौन सा बैक कवर आप परचेस करने वाले हो। सबके परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेस कर सकते हो।